हाय किड्स, मैं हूँ तुम्हारी ग्रैनी और दोस्त चित्रा। तुमने देखा है तुम्हारे आसपास कितने सारे एनिमल्स रहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और बहुत सारे छोटे छोटे जानवर भी रहते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, गिलहरी, बहुत सारे जानवर रहते हैं ना। उनके सबके पास क्या होता है, कॉमन चीज, टेल। इस टेल से वो अलग अलग काम लेते हैं, अलग अलग तरह से यूज करते हैं। तो आज हम बात करते हैं पूंछ का कमाल, यानी कि टेल ऑफ एनिमल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कुत्ते और बिल्ली की, यानी डॉग और कैट की। इनकी पूंछ जो होती है, टेल, इनका मूड शो करती है। डॉग की टेल देखिए कैसे पूंछ हिलाता है जोर जोर से। अगर ये खुश होते हैं तो इनकी पूंछ ऊपर उठ जाती है और हिलने लगती है, और अगर ये डर जाते हैं, एकदम इन पर कोई अटैक करे, एकदम घबरा जाते हैं, तो इनका पूंछ नीचे हो जाती है। देखा है डॉग को, देखा है ना कैसे डर जाता है। पहले तो आता है भौं 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 करता हुआ, और जब पीछे हटता है ना, जब आप करते हट हट, तो एकदम से पीछे डर के मारे ऐसे बैठ जाता है। डर लग रहा है, डर लग रहा है, पूंछ उसकी नीचे हो जाती है। देखा है ना कितना मजेदार होता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं कंगारू की। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन तुमने कभी उसकी पिक्चर देखी है? पिक्चर में वो कैसे अपने बच्चे को पेट में बिठा कर रखता है। इसकी पूंछ मोटी और स्ट्रांग होती है। इसको कुर्सी के पाए की तरह पीछे करके ये आराम से कुर्सी बनाकर बैठ जाता है। अब हम बात करेंगे एक हिरन की। हिरन यानी डियर। डियर की टेल जो है अलग काम में यूज होती है। देखे कोई खतरा आ गया तो वो जो है अपनी टेल से अपने साथियों को इशारा कर देता है। उसकी टेल के नीचे एक वाइट पार्ट होता है, वो पार्ट ऊपर करता है, सारे साथी समझ जाते हैं कि कोई खतरा है। वो जल्दी 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 भाग जाते हैं और अपने आप को सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। बच्चों, तुमने बंदर देखे करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर कूद जाते हैं, एक मकान से दूसरे मकान पर कूद जाते हैं। तुमने देखा है, है ना? हाँ, तुमने भी देखा है। ठीक है, ठीक, पेड़ से पेड़ पर कूद जाते हैं। इस काम में जानते हो कौन हेल्प करता है? इनकी टेल। इस टेल की वजह से ही वो एक जगह से दूसरी जगह कूदते हैं, और इसके अलावा टेल की वजह से ही वो पेड़ की टहनियों पर लटक जाते हैं। ऐसे ही होते हैं लंगूर। देखने में तो बिल्कुल बंदर जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। इनका चेहरा काला होता है और इनकी पूंछ और भी ज़्यादा लंबी होती है, बंदर से भी ज़्यादा लंबी होती है। ये जब हवा में उड़ता है और कूदता है दूसरी जगह, उसे खतरा दिखाई दे तो ये हवा में वापस आ सकता है, जो कि कोई जानवर और नहीं कर सकता। लंगूर की टेल जो है बड़ी हार्ड बन सकती है, उसके ऊपर कोई अटैक करे तो वो अपनी पूंछ से लाठी की तरह टक 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 मार सकता है किसी को। इनकी टेल बहुत इनको हेल्प करती है हवा में उड़ने में। अब हम बात करते हैं गिलहरी की। गिलहरी यानी स्क्विरल। गिलहरी देखा है कैसे हवा में फुदकती है, इधर भागी इधर भागी, बड़ी चुस्त होती है। तो इसमें जो है इसकी पूंछ का बड़ा काम होता है। एक जगह से दूसरी जगह कूदने में पूंछ पैराशूट का काम करती है, और इसकी बॉडी को भी बैलेंस बनाने का काम करती है। तुमने अपने पास बड़े बड़े जानवर देखे हैं, काउ, हॉर्स, डोंकी, इनकी कितनी बड़ी टेल होती है। मजेदार बात बताऊँ, इनकी टेल कुछ नहीं करती, सिर्फ मक्खियाँ और मच्छर उड़ाने का काम करती है। बच्चों, अभी हमने बात की बड़े एनिमल्स की टेल्स के बारे में, अब हम बात करते हैं छोटे एनिमल्स की और बर्ड्स की। इन पक्षियों में एक होता है कठफोड़वा। कठफोड़वा यानी वुडपैकर। वुडपैकर की चोंच इतनी शार्प होती है कि वो उसे लकड़ी काट सकता है, तो पेड़ से चिपक जाता है और लकड़ी को काटता है। तो जब ये पेड़ से चिपकता है तो इसकी टेल हेल्प करती है, टेल की वजह से ये पेड़ में चिपक जाता है और लकड़ी को काटता रहता है। इसी तरह और बर्ड्स होती हैं, क्रो, पैरट, स्पैरो, इनकी हेल्प करती हैं इसकी टेल। जब ये उड़ते हैं तो ये इसमें उड़ने में भी हेल्प करती है, और डायरेक्शन देने के लिए कि किधर जाना है, ये इनकी हेल्प इनकी टेल से मिलती है। तुमने मोर देखा है? मोर यानी पीकॉक। देखा है?
पीकॉक के कितने सुंदर पंख होते हैं, और जब वो नाचता है ना ऐसे ऐसे नाचता है, कितना अच्छा लगता है देखने में, बड़ा सुंदर लगता है। जब ये खुश होता है तब ये नाचने लगता है। तो ये इसकी पूंछ जो है ये इसके पंख ही होते हैं, और ये अपनी मोरनी को रिझाने के लिए भी अपनी टेल का यूज करता है। अब मैं बताती हूँ तुम्हें एक छोटे से जीव के बारे में। वो होता तो छोटा है लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। इसको कहते हैं बिच्छू, बिच्छू यानी स्कॉर्पियो। इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ के अंदर इसके जहर भरा रहता है, पॉइजन। अगर ये किसी पर अटैक करता है तो उसको कहते हैं डंक मारना। तो ये डंक मार करके अपने शरीर का पॉइजन इंसान के अंदर पहुंचा देता है, इससे इंसान की मौत तक हो सकती है। तो हमें इससे बचकर रहना चाहिए। बच्चों तुमने छिपकली देखी है? छिपकली यानी लिजर्ड जो दीवारों पर चलती है, इसकी पूंछ बहुत कमाल की है। अगर ये किसी एक्सीडेंट में कट जाए या पूंछ पर चोट लग जाए तो पूंछ अलग गिर जाती है कटकर, और वो खुद बचकर चली जाती है। कुछ टाइम के बाद उसकी नई पूंछ उग जाती है। और एक और ख़ास बात है, ये चाहे तो अपनी पूंछ को तोड़कर भी गिरा सकती है। अगर इस पर कोई अटैक करता है, कोई पक्षी पकड़ने की कोशिश करे तो पूंछ को छोड़ देती है और खुद सेफ जगह पर भाग जाती है। अभी हमने एनिमल की टेल्स के बारे में जाना, बर्ड्स की टेल के बारे में जाना, अब बात करते हैं एक पानी में रहने वाले जीव की, यानी कि मछली की, फिश। फिश की टेल होती है जिससे कि वो पानी में तैरती है। इधर वो टेल उसकी हेल्प करती है डायरेक्शन में और उसको तैरने में। मछली भी अपनी स्पीड पर जो कंट्रोल रखती है ना, वो अपनी पूंछ से ही रखती है। हाँ तो बच्चों, अच्छा लगा ना पूंछ का कमाल? अब हम मिलते रहेंगे और नई नई चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।